वेलकम बच्चों, ये वीडियो क्लास नाइन्थ के इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए है। बच्चों इस वीडियो में पढ़ेंगे आप लोग साइंस। क्या पढ़ेंगे आप लोग? साइंस। और साइंस का जो चैप्टर होगा बच्चों आपका, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करने से पहले आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सेक्शन का अटेंडेंस लगा दीजिए। तो आज का टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो है बच्चों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। ठीक, यानी अब तक हम थ्योरी ख़त्म कर चुके हैं, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर बाद में वेरी शॉर्ट करेंगे, फिर बाद में शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर सब्सटेंस। इनमें से कौन सा सब्सटेंस प्योर है? मिल्क, सी वाटर, सॉयल एंड कॉपर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड नहीं है? वाशिंग सोडा, कॉपर सल्फेट, ब्रास या मार्बल। तो उसका आंसर है बच्चों आपका सी, ब्रास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। इनमें कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? फोटोसिंथेसिस, ब्रेकिंग ए ग्लास टम्बलर, बर्निंग ऑफ वुड, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आंसर होगा बच्चों इसका ब्रेकिंग ऑफ ग्लास इज नॉट अ केमिकल चेंज, यानी ग्लास का टूटना केमिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेटल। यानी कौन सा इनमें मेटल नहीं है? कॉपर, सिल्वर, लेड और जर्मेनियम। ये कॉपर भी मेटल है, सिल्वर भी मेटल है, लेड भी मेटल है, जर्मेनियम आपका क्या है? सेमी मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, मतलब कि सेमी कंडक्टर है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। देखो इसमें पूछा है होमोजेनियस मिक्सचर कौन सा है? ब्रास क्या है? एलॉय है, आयोडाइज साल्ट। ठीक, ये भी क्या है बच्चों आपका? कंपाउंड है, गन पाउडर, एलॉय है, एलॉय नहीं मिक्सचर है बच्चे हमारा ये, और सस्पेंशन ऑफ ए चॉक वाटर, ये आपका बच्चों होमोजेनियस मिक्सचर है। तो डी आंसर आपका करेक्ट है। सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो इसका आंसर होगा बच्चों आपका, कोई ऑप्शन पढ़ लीजिए, डस्ट फ्री एयर, आयोडाइज साल्ट, सुगर सॉल्यूशन और ब्रास। तो आंसर हो गया बच्चों इसका आयोडाइज साल्ट। अब टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व वैन लाइट पासिंग थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, वाटर या स्टार्च। तो ऑप्शन होगा बच्चों इसका डी, स्टार्च सॉल्यूशन। आगे पढ़ते हैं बच्चों हम लोग, कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंक कैन बी सेपरेट बाय। इंक के कॉम्पोनेंट को किससे सेपरेट कर सकते हैं? तो है बच्चों आपका क्रोमेटोग्राफी, एवोपरेशन, फिल्ट्रेशन और सब्लिमेशन। तो इसका आंसर होगा बच्चों आपका क्रोमेटोग्राफी, याद रखिएगा, नोट कर लिएगा सबको। नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर इज ट्रांसकुलेंट। यानी कौन सा मिक्सचर ट्रांसकुलेंट है? तो आंसर हो जाएगा बच्चों आपका इसमें डी, मिल्क इन वाटर। ये कैसा होता है बच्चा? ट्रांसकुलेंट होता है आपका। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, ए स्टूडेंट बाय मिस्टेक मिल आयरन फिलिंग एंड सल्फर पाउडर, ही वॉन्ट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, द मैथड वुड बी यूज एडवाइज टू हिम इज टू डिजॉल्व इन द मिक्सचर। देखिए एक स्टूडेंट ने गलती से आयरन की फिलिंग को सल्फर पाउडर में मिला दिया, अब वह चाहता है इनको अलग करना, तो आप उसे कौन से मैथड की सलाह दोगे अलग करने के लिए? बॉइलिंग वाटर, कोल्ड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड या केरोसिन, इससे इसमें डिजॉल्व हो जाए। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका सी, कार्बन डाइसल्फेट। यानी कार्बन डाइसल्फेट, कार्बन डाइसल्फाइड को इसमें सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग मिक्स कर देंगे तो ये क्या होगा, वेपराइज हो जाएगा और आयरन फिलिंग अलग हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इलेवंथ आपके लिए, टू प्रिपेयर ए क्लोरिडिकल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च वी शुड। हमें क्लोरिडिकल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है ऑफ स्टार्च का, तो हमें क्या चाहिए?
ए एड स्टार्च टू बॉइलिंग वाटर एंड कूल, नहीं तो मैं सीधा आपको आंसर बताता हूँ इसका, एड ए थिन पेस्ट ऑफ स्टार्च टू बॉइलिंग वाटर वाइल स्टिरिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे बच्चों आप। रस्टिंग ऑफ आयरन एंड आर्टिकल मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड, क्या है ये? तो इसका आंसर होगा बच्चों आपका कोरिजन, एंड इट इज ए केमिकल चेंज। ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे। ए मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक क्या है बच्चों ये, पढ़िए यहाँ पर इसको ध्यान से। तो मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के मिक्सचर को, मिक्सचर कैसा होगा? हेट्रोजीनियस होगा और टिंडर इफेक्ट शो करेगा, या होमोजीनियस होगा टिंडर इफेक्ट शो करेगा? हेट्रोजीनियस होगा मगर टिंडर इफेक्ट शो नहीं करेगा, होमोजीनियस होगा पर टिंडर इफेक्ट शो नहीं करेगा। तो ऑप्शन इसमें सही है बेटा आपका डी, होमोजीनियस तो होगा बट टिंडर इफेक्ट शो नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल चेंज, ये चार ऑप्शन दिए हैं उसमें से कौन कौन सा फिजिकल चेंज है? मेल्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का पिघलना, क्या फिजिकल चेंज है? बिल्कुल ठीक है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, नया कंपाउंड नहीं बनता है, केवल स्टेट चेंज हो सकती है उसकी। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है, कट हो गया ये। ठीक, बेंडिंग ऑफ आयरन, आयरन रॉड, ये भी फिजिकल चेंज है। ड्रॉ ए वायर ऑफ आयरन मेटल, ये भी क्या बच्चों आपका फिजिकल चेंज है, यानी आंसर होंगे फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, किस में आ रहे हैं? सी में, तो सी ऑप्शन आपका बच्चों करेक्ट हो गया। अब 15 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंज, इसमें केमिकल चेंज कौन सा है? डिके ऑफ वुड, बिल्कुल ठीक, केमिकल यानी गलना सड़ना, ये क्या फर्मेंटेशन होता है बच्चों हमारे भी। ठीक, अब बताया है बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना, क्या ये फिजिकल केमिकल चेंज है? नहीं। आगे देखते हैं इसमें, यहाँ पर केमिकल चेंज है ठीक है। और शॉइंग ऑफ वुड, नहीं। हार्मिंग ऑफ नेल पीस ऑफ वुड, नहीं। तो आंसर होंगे बच्चे हमारे फर्स्ट और सेकेंड सही, तो ऑप्शन हो गया ए करेक्ट। ठीक, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।